नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब 3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर है हम। डिज्नी ने ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनी डैपर लैब्स के साथ मिलकर एक नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म बनाया है। 14 नवंबर की घोषणा के अनुसार डिज्नी पिछली सदी के अपने आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर्स को अपने NFT मार्केटप्लेस पर टोकनाइज करेगा, जिसे डिज्नी पिनाकल कहा जाएगा। प्लेटफॉर्म में पिक्सर के आइकॉन के साथ साथ स्टार वॉर्स गैलेक्सी के हीरोज और विलन्स भी शामिल होंगे, जिन्हें विशिष्ट रूप से कलेक्टेबल और ट्रेडेबल डिजिटल पिंस के रूप में स्टाइल किया गया है। डैपर लैब्स के CEO रोहम गार्गेजलू ने बताया, फैंस कहीं भी अपने फोन पर डायनामिक पिंस कलेक्ट कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ तुरंत और सुरक्षित रूप से ट्रेड कर सकेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। NFT प्लेटफॉर्म इस साल के अंत में iOS के लिए एप्पल ऐप स्टोर, एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर और वेब पर लॉन्च होगा। वर्तमान में इसके ऑफिशियल पेज पर सिर्फ एक वेटलिस्ट और एक लैंडिंग साइट मौजूद है। डिज्नी पिनाकल लेयर 1 ब्लॉकचेन फ्लो पर बनाया गया है, जिसे डैपर लैब्स ने भी बनाया है। इससे पहले टिकट मास्टर ने फ्लो ब्लॉकचेन पर NFT इवेंट टिकट बनाने के लिए चुना था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार म्यूटेंट एप यॉट क्लब के पीछे के डेवलपर को मंगलवार को खरीदारों के धोखा देने के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे लगभग $3 मिलियन की कमाई हुई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले फ्रेंच सिटीजन ओरिलियन माइकल को इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी के अनुसार उसे 5 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है और वह $1.4 मिलियन की जब्ती का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। US अटॉर्नी ब्रियॉन पीस ने कहा, हमारा ऑफिस अच्छी तरह से जानता है कि क्रिमिनल एक्टर्स डिजिटल एसेट स्पेस में इनोवेशन की कांस्टेंट पेस और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में शामिल होने की निवेश करने वाली जनता की इच्छा का लाभ उठा रहे हैं। जब म्यूटेंट एप प्लैनेट के बायर्स को एहसास होने लगा कि उन्हें डेवलपर्स द्वारा धोखा दिया गया है, तो अथॉरिटीज़ का कहना कि मिशेल ने सुडोनिम जेम्स के तहत पोस्ट करते हुए कम्युनिटी के डिस्कॉर्ड चैनल में रगपुल की बात स्वीकार की। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हांगकांग में स्थापित इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोकरेंसी एसेट कस्टोडियन हेक्स ट्रस्ट को दुबई में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को वर्चुअल एसेट कस्टोडियल सर्विसेज प्रदान करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। कंपनी, जिसे जून 2022 में शहर में एक ऑफिस एस्टैब्लिश किया था, को 15 नवंबर को दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि वारा से फुल वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हुआ। कंपनी को मूल रूप से एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। फरवरी 2023 में ऑपरेशंस लाइसेंस और इसके साथ ही अब जुरिस्डिक्शन में अपनी सर्विसेज देने के लिए स्पष्ट है। हेक्स ट्रस्ट के MENA रीजन के रीजनल डायरेक्टर फिलिपो बुजी ने बताया कि अप्रूवल से कंपनी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और क्रिप्टोकरेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स की बढ़ती लेकिन लिमिटेड लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्हें दुबई में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से अप्रूवल दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोया इंटरैक्टिव चाइना में स्थित एक बोर्ड और कार्ड गेम कंपनी और हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग लिमिटेड में लिस्टेड ने लगभग $100 मिलियन वर्थ की क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स मुख्य रूप से BTC और ETH हासिल करने की योजना की घोषणा की है। ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन तब आता है जब इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम प्रमुख बेनिफिशरीज के रूप में उभरते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुझाव दिया है कि Web3 लैंडस्केप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद के लिए क्रिप्टो एसेट्स खरीदना महत्वपूर्ण है। हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग लिमिटेड द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट के अनुसार बोया इंटरैक्टिव ने 12 महीने की अवधि के भीतर एसेट्स हासिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये ड्यूरेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पारित होने पर शुरू होती है। बोया ने यह भी कहा कि ETM के लिए नोटिस और लिस्टिंग नियमों के अनुसार कोई भी अन्य आवश्यक जानकारी आने वाले दिनों में 30 नवंबर को या उससे पहले शेयर होल्डर्स को भेज दी जाएगी। ओवर टू यू रोशनी। सेक्टर के अधिकारियों का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए टर्की के नए नियमों में लाइसेंसिंग और टैक्सेशन पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, क्योंकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग देश इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है। अंकारा ने पिछले महीने क्रिप्टो ट्रेडिंग में वर्षों की तेजी के बीच रेगुलेशन का वादा किया था, क्योंकि बढ़ते इन्फ्लेशन और गिरती लीरा करेंसी अल्टरनेटिव एसेट की मांग को बढ़ाती है। टर्की पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल वॉचडॉग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी दूर करना चाहता है, जिसने देश को 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स के जोखिम वाले देशों की सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट में रखा है।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार रॉ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में टर्की ग्लोबली यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बाद पिछले वर्ष लगभग $170 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फर्म के क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में 12वें स्थान पर था, जो करेंसी डीवैल्यूएशन का प्रतिकार करने की टर्क्स की इच्छा और नई टेक्नोलॉजी के में युवाओं की रुचि को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।